संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा जिला मुख्यालय नाहन में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम विशेष रूप से मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीसी राम कुमार गौतम ने कहा कि रक्तदान मानवता की बहुत बड़ी सेवा है, जिसे महादान भी कहा जाता है, और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जो बेहद सराहनीय कार्य है। वहीं संत निरंकारी मिशन के प्रचारक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि साल 1986 से लगातार संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन कई तरह के समाज सेवी कार्य करता आया है, जिसमें मुख्य रूप से रक्तदान शिविरों का आयोजन, पौधारोपण और स्वच्छता अभियान शामिल है। उन्होंने कहा कि अभी तक 6000 से अधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन फाउंडेशन द्वारा किया जा चुका है, जिसके द्वारा करीब 11 लाख से अधिक यूनिट ब्लड एकत्रित किया जा चुका है। संत निरंकारी मिशन नाहन के द्वारा जो है यहाँ पर चौहान के बाग में जिनका जहाँ आश्रम है वहाँ पे किया गया, और जैसा कि इन्होंने बताया कि 1986 से ब्लड डोनेशन का जो है वो आयोजन कर रहे हैं, और लगभग 12 लाख यूनिट जो आज तक इन्होंने इकट्ठे करके लोगों को दिए। तो इससे बड़ी मानवता की सेवा क्या हो सकती है, जिसमें कि इतनी संख्या में जो है और इतने कंटिन्यूटी में जो है वो ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं, और लोगों को जैसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको एक एक ब्लड की जो कतरा है उसकी जरूरत पड़ती है, और जो इनके मिशन के जो अध्यक्ष हैं या थे पहले, उनका जो एक संदेश है कि खून जो है वो नालियों में ना बह के जो नाड़ियों में बहना चाहिए, तो बहुत ही एक शुभ संदेश है और जिससे सारी मानवता को सीख लेने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि आपसे लड़ाई झगड़ा करके हम एक दूसरे के जो है वो खून के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जो मिशन का उद्देश्य है और जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही शुभ कार्य जो है इनके माध्यम से किया जा रहा है, और मानवता की सेवा सही में इसी को हम कह सकते हैं। ये जो सबसे पहले आपको मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो निरंकारी मिशन है, ये लगातार अनेकों सेवाओं में, चाहे वो ट्री प्लांटेशन है, चाहे वो सफाई अभियान है, और जो भी कोरोना पैंडेमिक हुआ था उसमें भी जिन घरों में आप सभी जानते हैं कि रोजी रोटी के लिए बिलाले पड़ गए थे, तो वहाँ भी संत निरंकारी मिशन के सेवा दल वॉलेंटियर्स ने और हमारे जो संयोजक बहन जी जो अभी आपके समक्ष कह के गए, उन्होंने भी शासन उनकी सानिध्य में जाकर हमने घर घर राशन पहुँचाने का भी कार्य किया। जैसा आपने कहा कि जो ब्लड डोनेशन कैंप लगातार 1986 से लेकर आज तक चलते आ रहे, और 36 वर्ष लगातार निरंकारी मिशन ये कैंप लगातार आ रहा है, जिसमें कम से कम 6991 कैंप्स लग चुके हैं, और जिसमें 11,58,760 यूनिट्स ब्लड जो है कलेक्ट हो चुका है 2022 तक, मार्च 2022 तक की रिपोर्ट है। और इसी तरह से ये ब्लड डोनेशन कैंप जो नाहन में लग रहा है, ये 8वां रक्तदान शिविर हर साल यहाँ पर लगता है, और यहाँ पर उम्मीद कम से कम कोई 150 के आसपास जो भक्तजन और जो स्वैच्छिक रूप से ब्लड डोनेट करना चाह रहे, वो लगातार लाइनें लगी है। सुबह से ही 9 बजे से यहाँ पे श्रद्धालु आ चुके थे,